नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नया वीडियो पे स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन, सच्चाई के साथ तकनीकी ज्ञान का विस्तार, और मैं हूं आपका दोस्त सुब्रत। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं वीडियो फाइल साइज छोटा करने की एक ट्यूटोरियल। प्रॉपर तरीके से अगर आप वीडियो कॉम्प्रेस करोगे तो अपलोड डाउनलोड से लेकर प्लेबैक तक हर काम आसानी से होगी, और ये कॉम्प्रेस्ड वीडियो फाइल आप अपना YouTube या वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो बैकअप अपने हार्ड ड्राइव में सेव करोगे तो स्पेस भी सेव होगी, यानी हार्ड ड्राइव में अगर 100 मूवीज पहले रख पाते थे तो अभी आप 150 मूवीज आसानी से रख पाओगे, और वेबसाइट व्यूअर्स को एक स्मूथ वीडियो प्लेबैक की एक्सपीरियंस मिलेगी। लेकिन वीडियो क्वालिटी आपको सेम रखनी होगी, यानी ओरिजिनल वीडियो क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हैंड ब्रेक ये फ्री ओपन सोर्स वीडियो कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर है। आप आसानी से गूगल सर्च करोगे तो मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, नहीं तो आप डायरेक्ट handbrake.fr वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट से इसे डाउनलोड करो और अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो। बस आप इसे स्टार्ट करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये इंटरफेस पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक फोल्डर का जो बैक स्कैन करके एक से ज्यादा फाइल को ये कन्वर्ट करेगा, और एक होता है फाइल का। तो यहाँ पे मैं फाइल ऑप्शन को चूज करता हूँ। फाइल ऑप्शन जैसे ही आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फोल्डर के पास आपको जाना होगा जिस फोल्डर में आपका वीडियो रखा हुआ है। तो मेरा ये हैंडब्रेक कन्वर्टर बोल के फोल्डर है, जिसमें हम ये एनालिटिक यूट्यूब टी यानी टेक्निकल एक्सटेंशन मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो को मैं यहाँ पे पेस्ट करके रखा हूँ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका साइज क्या है, 675 MB, और ये टाइप ऑफ फाइल है MP4। ठीक है, तो ये 675 MB फाइल को मेरे को कन्वर्ट करना है, और इसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसका साइज कम करना है, और वो हैंड ब्रेक से होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे एक बार करते हैं कैंसिल, और इसे एक बार हम प्ले करते हैं। पहले ये देख लीजिए वीडियो का क्वालिटी क्या है। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कन्वर्ट होने के बाद क्वालिटी कैसा आ रहा है और साइज क्या आ रहा है। तो ये देखिए, ये है इसका क्वालिटी। हम साउंड थोड़ा लो कर दिए, तो ये है दोस्तों क्वालिटी इसका, देखिए। ठीक है, ये है इसका क्वालिटी। तो ये वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखिए आ गया आपका हैंड ब्रेक में। जैसे ही आ गया ये वीडियो यानी लोड हो गया, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स आपको करना होगा। गौर से देखिए दोस्तों, ये जो सेटिंग्स है ये सेटिंग्स आपको याद रखना होगा। ये सेटिंग्स के जरिए ही आप इसका जो साइज है वो साइज कम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी आपका ओरिजिनल जो फाइल है उसकी तरह ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ पे वेब ऑप्टिमाइज्ड को ऑन करना होगा, ताकि आप अगर वेबसाइट में भी अपलोड करेंगे तो इसका प्लेबैक के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ खर्चा नहीं होगा, और आपका व्यूअर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों डायमेंशन पे। यहाँ पे डायमेंशन पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका है क्रॉपिंग साइज सब कुछ ऑटो रहेगा। फिल्टर में आते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं चाहिए। वीडियो में आए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ चेंज आपको करना होगा, जैसे कि ये जो RF है दोस्तों कांस्टेंट क्वालिटी, ये देखिए इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये लोअर क्वालिटी है, इस तरफ अगर जाएंगे तो प्लेसबो क्वालिटी है। तो दोस्तों ये जो 22 है, ये 22 को हमको रखना है 23 RF। ये 23 RF में मैं जितना भी काम किया हूँ उससे मेरे को अच्छा बेनिफिट हुआ है, और फाइल का क्वालिटी सेम रह गया, सिर्फ उसका साइज कम हुआ और वीडियो क्वालिटी एकदम धांसू था दोस्तों। तो इसलिए 23 RF को मैं प्रेफर करता हूँ। इसके बाद आपको जो सेटिंग्स करना होगा, यहाँ पे आपको फ्रेम रेट में आना होगा, और इसे आपको कर देना होगा सेम एज सोर्स। और नीचे में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको सिलेक्ट करना होगा कांस्टेंट फ्रेम रेट पे। ठीक है, इसके साथ आप खेल सकते हैं कांस्टेंट क्वालिटी और RF जो है 23, 28, 36, 35 ऐसा करके आप देख सकते हैं आपके पास जो वीडियो है उस वीडियो का क्वालिटी क्या हो रहा है, और क्वालिटी के साथ साथ उसका वीडियो का फाइल का जो साइज है वो कितना कम हो रहा है। इसके बाद ऑडियो सबटाइटल्स और चैप्टर में आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो फिर वापस चलते वीडियो में। आप देखिए यहाँ पे नीचे में रहता है सेव एज, तो यहाँ पे आप ब्राउज करके आपका वही फोल्डर दे दीजिए डेस्कटॉप वाला जिसपे आप आपका ओरिजिनल वीडियो रखे हुए हैं, यहाँ पे हैं। तो इस पे करते हैं हम सेव। तो ये फाइल देखिए आ गया है यहाँ पे सेव एज बोल के आ गया है, और ये TE-1 आ गया है। ठीक है,
अब इस पे आपको करना होगा स्टार्ट एनकोड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट एनकोड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे FPS दे रहा है, एवरेज FPS दे रहा है और टाइम रिमेनिंग दे रहा है 7 मिनट। तो ये 7 मिनट के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 0, ये कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए क्यू वी फिनिश दिखा दिया, यानी ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं वो फोल्डर में आपको लेके चलता हूँ। ये है फोल्डर, तो ये देखिए मेरा ये जो फाइल है -1, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये देखिए -1 जो है ये कन्वर्ट हुआ है और मेरा ओरिजिनल फाइल ये था। इसका साइज़ देखिए 675 MB। अगर आप नीचे नहीं देख पा रहे हैं तो इसे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, तो देखिए आप 675 MB है और इसका जो है 60 MB। ठीक है, तो वो था आपका यहाँ पे है, ये देखिए आप। अब खुद कंपेयर कीजिए, जो राइट हैंड वाला है दोस्तों, ये वाला जो है विदाउट -1, वो देखिए आपका 675 MB था और ये जो -1 है ये 60.4 MB आया है। तो कितना छोटा हो गया आप सोचिए दोस्तों। अब क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आप पहले हम ये क्वालिटी देख लेते हैं, ये देखिए ये था क्वालिटी। ओके, ये देख पा रहे हैं आप क्वालिटी। आप चलिए ये जो 60 वाला जो फाइल है कन्वर्ट जो हुआ है, जो फाइल कन्वर्ट हुआ फाइल को ओपन करते हैं और देखिए क्वालिटी ये है दोस्तों। क्वालिटी टेक्स्ट का भी आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों कोई अंतर नहीं है दोस्तों, क्वालिटी के मामले में कोई अंतर नहीं है वो फाइल से, यानी ओरिजिनल फाइल से। तो इस तरह आप लोग बिना क्वालिटी घटाएं या गवाएं आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइल को छोटा कर सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा वेब डेवलपर लोगों ने वेबसाइट में वीडियो अपलोड करने के लिए 23RF का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी बारी, आप कौन सा RF वैल्यू यूज़ करने चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मेरा चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।